दिन भर के सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, भारत गैस, बनाइए खाना, परोसिए प्यार। साईपड़ा सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। बीआरडी में 300 बेड के नए कोविड वार्ड का मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण, कहा खामियों को दुरुस्त कर वार्ड में गंभीर मरीजों का इलाज कराया जाए सुनिश्चित। प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं में स्वेटर वितरण के संबंध में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। एनएक्सी भवन में कोरोना जांच शिविर के संबंध में सीडीओ ने प्रशासनिक अधिकारियों व विभिन्न धर्म गुरुओं के साथ की बैठक। पूर्वोत्तर रेलवे ने 80 नई ट्रेनों का संचालन किया प्रारंभ, सीपीआरओ ने कहा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही यात्री करें यात्रा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास ने संबंधित अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश। जेसी सप्ताह के अंतर्गत चौरहिया गोला शीतला माता मंदिर में एडीएम सिटी ने वाटर कूलर का किया उद्घाटन। माताओं ने पुत्रों की दीर्घायु के लिए रखा जीवित पुत्रिका निर्जला व्रत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चकबंदी आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ चकबंदी कार्यों की समीक्षा, दिया आवश्यक निर्देश। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने चिलवाताल थाना क्षेत्र स्थित लाइसेंसी आरा मशीन की दुकान से अवैध लकड़ी के बोटों को किया बरामद। और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर निषाद पार्टी 11 सितंबर को घेरेगी सांसद आवास, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा सरकार बनते ही पार्टी भूल गई किया हुआ वादा। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग संस्थान में 300 बेड के कोविड 19 का उद्घाटन करने के बाद मंडलायुक्त जयंत नालिकर की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों की टीम ने वार्ड का निरीक्षण कर खामियों को दुरुस्त करने के लिए कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया। जल्द ही लेवल 2 के 200 बेड और लेवल 3 के 100 बेड वेंटिलेटर युक्त वार्ड को कोविड 19 के मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे गंभीर संक्रमित का इलाज संभव हो सकेगा। इस दौरान जिलाधिकारी के विजयंत पांडेन, पीआरडी प्राचार्य डॉक्टर गणेश सहित कार्यदायी संस्था के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयंत पांडेय ने बताया मेडिकल कॉलेज में और भी कुछ काम बाकी था, खासतौर पे जो 300 बेड का जो कोविड यूनिट नया बना हुआ है उस पर डॉक्टर लोगों को रुकने के लिए भी 2 फ्लोर में व्यवस्था करनी थी, उसी के लिए इंस्पेक्शन हम लोग गए थे और उस पर फ्लड फाइटिंग का यानी जो फायर फाइटिंग का भी जाँच करनी थी, उसका कंसर्न विभाग का लेके गए थे ताकि वहाँ का सुविधा वो सारे है, सुरक्षा है क्या क्या है, उसी दृष्टि पे एक इंस्पेक्शन किए थे हम लोग। ऑक्सीजन का सप्लाई सुनिश्चित हो गया, फर्नीचर इत्यादि आ गया है, बेड भी आ गया है, अभी बस आज से नहीं तो कल से पेशेंट लेना शुरू कर देंगे। उसके पहले एक बार फाइनल सफाई और उसका फायर फाइटिंग का उपकरण और बाकी सुविधाएँ और डॉक्टर रुकने के लिए यानी पैसिव क्वारंटाइन कहते हैं, एक्टिव क्वारंटाइन कहते हैं, जो डॉक्टर वहीं रुकते हैं जो ट्रीटमेंट का, उनका जो सुविधा कैसे है उसी के लिए फाइनल भ्रमण के लिए हम लोग गए थे और कार्यदायी संस्था का निर्देश दे के आए हैं। आज सफाई वफाई करा करके आज शाम से नहीं तो कल से पेशेंट लेना शुरू कर दें। आगामी
ठंड से पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को समय से स्वेटर वितरित किया जाए, इस संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडेन की अध्यक्षता में जिलाधिकारी सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि समय से पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए स्वेटर आदि की व्यवस्था को सुनिश्चित कर दिया जाए, जिससे विद्यालय खुलने के बाद छात्र छात्राओं को कोई भी असुविधा न हो। इस दौरान बीएससी भूपेंद्र नारायण सिंह, जिला समन्वयक अधिकारी विवेक जायसवाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन के सभागार में सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में कोरोना जांच को लेकर प्रशासनिक अधिकारी व विभिन्न समुदायों के धर्मगुरुओं के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान सीडीओ ने धर्मगुरुओं से अपील करते हुए कहा कि जो भी धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें कोरोना जांच के लिए प्रेरित किया जाए। जांच कराने के बाद प्रशासन द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी लोगों को बताया जाए, जिससे बड़ी संख्या में लोग जनपद के विभिन्न शिविरों में पहुंचकर कोरोना जांच करा सकें और समय रहते संक्रमित व्यक्ति का इलाज संभव हो सके। इस दौरान एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में विभिन्न समुदायों से जुड़े हुए धर्मगुरु मौजूद रहे। बहुत कमजोर वायरस है, लेकिन हम इसको मजबूत बना रहे हैं। अगर इसमें डिले ना हो, देरी ना हो, तो कोरोना को हर कोई हरा सकता है। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगा कि कोरोना को अगर वैज्ञानिक तरीके से लड़ा जाए तो इसको हराया जाए। अब हमें जो समस्या आ रही है पिछले एक डेढ़ महीने में, जो हमारा अनुभव है, हम आपसे साझा करना चाह रहे हैं। होता क्या है कि जैसे ही किसी को कोई सिम्टम आता है, बुखार खांसी कुछ भी आता है, तो पहले क्या करता है, जो हम हमेशा करते आए हैं, वो गलत भी नहीं है, वो सोचता है कि इस मौसम में वायरल बुखार आया होगा और वो अपना इलाज करता है। मेडिकल स्टोर पर जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, जब खुद अपना जो दवाई घर पर रखी है वो खाएगा। ये हो रहा है, ये आम करते हैं। मैं इसको, ये हम लोग बचपन से करते आए हैं, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मैं इसको गलत सही नहीं कह रहा हूँ, लेकिन महामारी के दौर में इसको बदलना है। ये जो मैं आपको एक्सरे दिखा रहा हूँ, एक पेशेंट का एक्सरे है, इनके लंग्स में ये जो काला काला दिख रहा है, ये कोरोना ने कर दिया। इन पेशेंट ने 10 दिन की देरी कर दी, इन पेशेंट ने 10 दिन की देरी कर दी। जब इनको पता लगा कोरोना पॉजिटिव है, तब भी ये अपना इलाज शुरू करते रहे। ये किसी भी अस्पताल, सरकारी अस्पताल के उसमें नहीं है। और 10 दिन के बाद जब रात को मेरे साथ कंटेक्ट हुआ कि सर सांस नहीं आ रही, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, एक दिन भर्ती रखा, अब ये लोग बोल रहे हैं यहाँ से भेजिए, ये सीरियस कंडीशन है, तो हमें फिर उस दिन बीआरडी ले जाना पड़ा। और जब बीआरडी गए तो डॉक्टर ने बोला कि सर ये तो बहुत हेल्दी पेशेंट है, 50 साल का, इसको इस स्टेज पे तो आना ही नहीं चाहिए। लोग बाहर निकल सकते, तो लिमिटेड चीजें की आपको छूट थी, पर धीरे धीरे
ये लॉकडाउन को भी रिलैक्स किया गया और धीरे धीरे हम लोग अनलॉक की तरफ बढ़े, मतलब चीज़ों को खोलने लग गए। हम लोगों ने नया व्यवस्था जारी किया कि ये दुकानें खुलेंगी, ये उद्योग चल सकते हैं, ये ऑफिस खुल सकते हैं। और धीरे धीरे करते करते आज से 2-3 दिन पहले आपको ये पता भी चला होगा कि अब धीरे धीरे सब चीज़ों को खोल दिया गया है। पहले शनिवार और रविवार को बंदी हुआ करती थी, वो भी 1 बजे पहले से उसको भी खत्म कर दिया गया है। हाँ, ये अलग बात है कि दुकानों में टाइम बताया गया कि इस समय तक दुकानें खुलेंगी और उसके बाद दुकानें नहीं खुलेंगी। पर करीब करीब आपको समझ जाए कि जो 6-7 महीने का लॉकडाउन लगा हुआ था, अब वो धीरे धीरे चीज़ों को खोल दिया गया है। एक बहुत बड़ा उद्देश्य मीटिंग बुलाने का यह है कि हम लोग ये समझ रहे हैं कि लॉकडाउन खुल गया तो चीज़ें सामान्य हो गई और सब चीज़ें अब फिर से पटरी पर आ गई हैं, पुरानी हो गई हैं, पुरानी तरह स्थिति हो गई है, बाहर हो गई है। पर ऐसा नहीं है, स्थिति और भी ज़्यादा विकट और विकराल होती जा रही है। और कि 3 महीने पहले एक भी केस नहीं था, 0 केस था 3-3 महीने पहले तक, और वो केस 1-12 हज़ार हो गए हैं। और प्रतिदिन 300-300 केसेस आते हैं, तो इसका अंदाजा लगा लेंगे तो इस महीने के लास्ट तक कितने केस रहेगा वैसे ही समझ सकते हैं। केस के अलावा यहाँ पे हॉस्पिटल से जिसमें इलाज चल रहा है, आपको बड़ी बात ही जानकारी होगी, पर मैं एक बार छोटे बात बता देता हूँ। यहाँ पे सरकारी तौर पे 3 हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है, BRD मेडिकल कॉलेज उसके अलावा है। 3 जिसमें चल रहा है, उसमें 3 लेवल हॉस्पिटल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो उसमें 100 बेड TB हॉस्पिटल है जो कि एयरपोर्ट के पास पड़ता है, वहाँ इलाज चल रहा है। स्पोर्ट्स कॉलेज का हॉस्पिटल है, वहाँ पे इलाज चल रहा है। इसके अलावा रेलवे हॉस्पिटल का वहाँ इलाज चल रहा है। इसके अलावा 8-10 प्राइवेट हॉस्पिटल से जैसे फाइनेंशिया हॉस्पिटल हो गया, आर्यन हॉस्पिटल हो गया, इस तरह के हॉस्पिटल से जो भी कोरोना का इलाज कर रहे हैं। इसके अलावा BRD मेडिकल कॉलेज बहुत ही वृहद स्तर पर इलाज चल रहा है, बड़े स्तर पर चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे माननीय प्रतिनिधि ने 2-3 दिन पहले 300 बेड के नए उसका उद्घाटन भी किया था, कोरोना हॉस्पिटल का उद्घाटन भी किया था। ये सब आपको बताने का एक छोटा सा उद्देश्य ये है कि काफ़ी चांस है कि यहाँ पे जो भी मेरे पास आते हैं उसको हो सकता है कोरोना हो और मुझे भी हो जाएगा। इसमें मीडिया कर्मियों से बात करते हुए CDO इंद्रजीत सिंह ने बताया, तो साथ हमने उनसे आह्वान किया है, अपील की है कि हमारी जो टीमें टेस्ट कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराए, इसमें देरी ना करें, क्योंकि देरी जो है कोरोना में घातक है। जो अभी हमने पिछले 10-20 दिन में जो हमारा अनुभव है, जब हमने टेस्ट बहुत बढ़ाए हैं तो लोग टेस्ट कराने के लिए नहीं आ रहे हैं सामने। तो हमारी लोगों से अपील है कि टेस्ट जाए जाते कराएँ, और जो पॉजिटिव भी आ जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी दवाई खुद देने लग जाते हैं। और वो हमारा अपील है कि वो अपने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर हैं उनके टच में रहें, और जहाँ ज़रूरत पड़े तुरंत आके हमारे जो L1, L2, L3 फैसिलिटी में एडमिट हो जाए, और हमारे डॉक्टर्स, हमारी जो मेडिकल टीम है वो उनकी केयर करें। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने पूर्वोत्तर रेलवे के पहियों पर ब्रेक लगा दिया है। ऐसे में पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नई 80 ट्रेनों का संचालन प्रारंभ कर रहा है। इससे पूर्व में 230 ट्रेनें पूर्व से चलाई जा रही हैं। वहीं यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने स्टेशनों और ट्रेनों में विशेष साफ सफाई के साथ AC में यात्रा करने वाले यात्रियों को घर से बिस्तर लाने की अपील कर रहा है, जिससे किसी भी प्रकार से संक्रमण का खतरा न उत्पन्न हो। वहीं यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप अपने मल्टीमीडिया मोबाइल में रखना अति अनिवार्य है। वहीं स्टेशनों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से सुरक्षित यात्रा के संबंध में यात्रियों से लगातार अपील भी की जा रही है। सिटी वन संवाददाता से बातचीत करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेल ने आम जन की आवश्यकताओं को देखते हुए 80 अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें जो 230 ट्रेनें पहले चल रही थी उनके अतिरिक्त हैं। इनमें से कुल 7 जोड़ी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि पूर्वोत्तर रेलवे से या तो आरंभ होंगी या फिर यहाँ पे समाप्त होंगी,
और 6 जोड़ी गाड़ियां ऐसी हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से होकर जाएंगे। तो कुल 13 जोड़ी गाड़ियां हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे से या होकर जाएंगे। इनमें से जो प्रमुख ट्रेनें हैं उनका मैं विवरण दे देता हूं आपको, जैसे चौरी चौरा एक्सप्रेस, हमसफ़र एक्सप्रेस, गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस, कृषक एक्सप्रेस जो गोरखपुर से होकर जाती हैं, अवध आसाम एक्सप्रेस, ये सब प्रमुख ट्रेनें हैं। इसके अतिरिक्त मड़ुआ डी वाराणसी से वंदे भारत शुरू की गई है जो कि एनी रेलवे के रूट से होकर जाती है। लखनऊ जंक्शन स्टेशन से स्वर्ण शताब्दी शुरू हुई है। तो ये सारी ट्रेनें हैं जो पूरी तरह से आरक्षित ट्रेनें रहेंगी और इनमें यात्रा करने के लिए कन्फर्म्ड रिजर्व टिकट का होना आवश्यक है और जो प्रोटोकॉल COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में बनाए गए हैं उन सभी का पालन करना भी अनिवार्य है। जैसे कि आप जब भी यात्रा करें तो अपने साथ मास्क लगाना अनिवार्य है, साथ ही साथ मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य है। जब आप यदि एसी में यात्रा कर रहे हो तो अपने साथ आवश्यकता अनुसार चादर या कंबल लेकर चलें, क्योंकि रेलवे चादर या कंबल इन चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन बंद किया हुआ है। तो जो सावधानियां हैं उनका पालन करें, सामाजिक दूरी का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास विभाग मनोज कुमार द्वारा गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों से कहा गया कि निराश्रितों को चिन्हित कर उन्हें आवास मुहैया कराने के साथ ही अन्य प्रदेशों से आए हुए प्रवासी मजदूरों को उनके गांव में ही इन योजनाओं के तहत कार्य दिया जाए। इस दौरान CDO इंद्रजीत सिंह, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। फॉर्म भरा गया उसी को देख के आपको बताना चाहिए कि इसमें कौन सी सूचना गलत है। अदरवाइज अगर वो पुराना फॉर्म लेके आप नहीं जाएंगे मौके पे तो ये एप्लीकेशन लिए हुए गवर्नमेंट चेक करने नहीं जाएगा। एप्लीकेशन चाहे उसके पास हार्ड कॉपी हो ये किया गया अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता, सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा, हमारे यहाँ उपलब्ध है 1,00,000 तक के कम्बो, तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। भारत गैस व्हाट्सएप करो, बुक करो, हाई लिखें और 1800224344 पर भेज दें। भारत गैस मिस कॉल बुकिंग नंबर 7710955555। अपने LPG रिफिल का भुगतान डिजिटल माध्यम से करें। अब आपके पास amazon.in पर भी बुकिंग करा सकते हैं और हाँ, आप अपना बुकिंग अमाउंट गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन, फोन पे, UPI के जरिए भी अदा कर सकते हैं। एक बार फिर बुकिंग मिस कॉल नंबर 7710955555। अगर कोरोना से बचना है तो गैस भी नहीं छूना है। भारत गैस। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त।
हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत। हाय मनमीत विद मीत ब्रोस। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। एक दो तीन चार कोरोना की होगी हार, एक दो तीन चार कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ हाँ हाँ, दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे, दो गज की दूरी को हर जगह अपनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे, साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। चौथी बात सेहत की, इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार, एक दो तीन चार कोरोना की होगी हार, एक दो तीन चार कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिनभर। जेसीआई गोरखपुर मिड टाउन द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जेसी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। हर रोज अलग अलग कार्यक्रम के साथ समाज सेवा के नाम पर तरह तरह के कार्यक्रम जेसी सप्ताह के अंतर्गत किए जाते हैं। जेसी सप्ताह के दूसरे दिन राजघाट थाना क्षेत्र के चौरहिया गोला में स्थित शीतला माता मंदिर में वाटर कूलर लगवाया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव द्वारा किया गया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास जी महाराज व वरिष्ठ समाज सेवी महेश पोद्दार मौजूद रहे। हमारे शरीर में 90% सर इधर देखिएगा, मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव ने बताया। संस्था के द्वारा एक जनहित में मानव सेवा के लिए, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मानव की सेवा के लिए इतना बढ़िया जीवन जो जल के बिना संभव नहीं है, उसके लिए हमारे संत काली बाड़ी के महाराज जी महेश पोद्दार जी और संस्था के अध्यक्ष और उनके सारे सदस्य सचिवगण और सारी जनता और पूरे पत्रकार बंधुओं के सामने एक अनोखी पहल की है, जिसका मैं हृदय से प्रशासन की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। पुत्रों के लिए दीर्घायु होने की कामना के साथ माताएं जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रख करके शास्त्रों के अनुसार आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पुत्र के आरोग्यता तथा कल्याण के लिए जीवित पुत्र का या जीमूत वाहन व्रत का विधान है। यह व्रत महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। इस दौरान सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए व्रती महिलाओं ने बताया। क्या व्रत है ये पुत्र के लिए रहा जाता है। क्या मान्यता है, कैसे रहती है व्रत? इसे नीरा जल रहा जाता है और
अस्युत पुत्री का व्रत है ये, अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए हम लोग व्रत निर्जला उपवास रखते हैं, 24 घंटे निर्जल व्रत रहते हैं बच्चे की लंबी आयु के लिए। किसका पूजा करती हैं आप लोग, क्या कैसे पूजा करती हैं? बरियार पूजते हैं हम लोग, 5 बरियार जीतिया चढ़ाते हैं, कपूर अगरबत्ती जलाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पीला सिंदूर से टीपते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं और जूतिया महारानी से गले मिलते हैं, यही है। फिर यही जूतिया फिर बच्चों को भी पहना? हाँ, बच्चे सुबह जब 24 घंटा हो जाता है तो उसके बाद यही जूतिया अपने पुत्र को पहनाते हैं, तब उसके बाद पानी पीते हैं, तब व्रत खोलते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चकबंदी आयुक्त वी राम शास्त्री ने गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ चकबंदी कार्यों के संबंध में समीक्षा की। समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों से कहा कि भौतिक लक्ष्य की अपेक्षा लक्ष्य पूर्ति एवं प्रगति की समीक्षा, धारा 24 के अंतर्गत लक्ष्य परिवर्तन, पूर्ण हुए कार्यों की समीक्षा सहित अन्य विषयों पर चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी माता दीन मौर्य, उप संचालक चकबंदी सुनील कुमार, चकबंदी अधिकारी अमरीश शर्मा, नरेंद्र कुमार, धीरेंद्र जगलाल पटेल सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सर, ये देखिए रसोई साहब, 33 साल पुराना काम आज चकबंदी विभाग के सामने एक साफ आइडेंटिटी, और इसको अगर आप नहीं इतने गंभीरता से लेंगे, खुद नहीं आप आगे कर लीडरशिप करेंगे तो और सब 14 के काम है सर, कोई पुराने काम हमारे यहाँ नहीं है। वन विभाग ने मुखबिर की सूचना पर अभियान चलाकर चलुआताल थाना क्षेत्र के स्पोर्ट्स कॉलेज के समीप लाइसेंसी आरा मशीन पर अवैध रूप से जंगल से काटकर लाई गई लकड़ी के बोटों को गिराया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग के SDO DM सिंह की मौजूदगी में आरा मशीन पर पहुंचकर अवैध लकड़ी के बोटों को बरामद किया गया और विधिक कार्रवाई करते हुए आरा मशीन को सील किया गया। कार्रवाई के दौरान आरा मशीन के संचालक व कर्मचारी मौके से फरार हो गए। इस दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी तिनकुनिया विजय कुमार शुक्ला, वन दरोगा महेंद्र प्रताप सिंह, मनीष तिवारी, विधि नारायण वर्मा सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए DFO अविनाश कुमार ने बताया। अब देखिए, कल सुबह 4 बजे के अराउंड एक सूचना ये आई कि तिनकुनिया जंगल से सागौन पेड़ काट करके कुछ लोग इसको शहर की तरफ ला रहे हैं। सूचना मिलने के उपरांत तिनकुनिया रेंजर द्वारा इसको फॉलोअप किया गया और ये सूचना पति नकवा के पास एक आरा मशीन है जहां पर ये अवैध बोटा लाकर डंप किया गया था। सूचना मिलने पर तिनकुनिया रेंजर एवं मुख्यालय रेंजर मौके पर पहुंचे। पहुंचने के उपरांत वहां से अवैध लकड़ी रिकवर की गई। स्टाफ के पहुंचने के बाद वहां के जो लोकल स्टाफ से वहां से भाग गए, फिर किसी तरह ताला खुलवाया गया और अंदर की तलाशी ली गई। वहां से 128 बोटे सागौन मिले और 6-7 बोटे नीम मिले हैं। कोई भी आदमी उसकी कागज़ जो ओरिजिनल लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए नहीं आया, हम लोगों ने उनको एक नोटिस भेज कर उनसे कागज़ दिखाने के लिए मौका दिया है। अगर कागज़ नहीं दिखा पाते हैं तो आगे कार्रवाई की जाएगी। इन द टाइम बीइंग आरा मशीन को सील कर दी गई है और आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। पादरी बाजार में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने BJP सरकार द्वारा आरक्षण को लेकर किए गए वादों को पूरा न करने को लेकर आगामी 11 सितंबर को सांसद आवास पर घेराव व प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में निर्मल शोषित हमारा आम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, आंदोलन तो हमेशा रहा है जब से देश आजाद कराने के लिए निषाद आ गया है और उसी में तो उजड़ा है। फसल ने अब कानून बनाने के लिए आंदोलन कर रहा, उसी क्रम में हम लोगों ने 25 तारीख को जंतर मंतर पर धरना का वो रखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उसको पूरा करें।
क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड में शासनादेश जारी किया कि शिल्पकार कोई जाति नहीं, जातियों का समूह है और वो पिछड़ी जातियों उनकी उपजातियाँ इसलिए नहीं मिल रहा है और उन्हें ऐसे दिया जाए। तो उसी तरह के हम चाहते हैं मझवार का यहाँ आजा आर्डर मझवार गौंड तुरैया खरवार बेलदार की जितने भी कश्यप कहाँ धीमा रखवार बाथम केवट मल्ला बिंद हैं वो इनकी उपजातियाँ हैं, उनका भी अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र जारी करने एक शासनादेश जारी है। दूसरा जो मत्स्य मंत्रालय बना 20,000 करोड़ रुपये उन्होंने जारी किया तो वो धरातल पर न मिल के जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें न मिल के फिर पूंजीपतियों दबंगों को मिल गया, तो जितने भी बना वो उसको वो बेचारा मजदूर और मजबूर है। इसीलिए कल हम लोगों ने संसद को वोट दिया था तो संसद का घेराव है कल सभी पूरे प्रदेश के और घेराव करके उन्हें ज्ञापन देना चेतावनी देना है कि आपको वोट दिया था वकील बनाया है जाके हमारे सदन में वकालत करिए, अपनी पार्टी में वकालत करिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष वकालत करिए। दिन भर में बस इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साई प्रणाम।